हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैलकटा यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं इवन सेमेस्टर्स की और पार्ट 1+1 स्टूडेंट्स की जो एग्जामिनेशंस फॉर्म फिलअप है वो होने ही वाली है। और आप सभी को पता है कि कल 9 तारीख से यहाँ पे जो चेकलिस्ट है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो वो जो चेकलिस्ट है उस पर अगर आपके नाम है तो ही आप एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, चाहे आप पार्ट 1+1 के स्टूडेंट हो। तो वो जो चेकलिस्ट है वो कैसे आप देखेंगे, ठीक है, आपका नाम उसमें है या नहीं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और हमेशा ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए ज़्यादा ना देरी करते हुए वीडियो को फ्रेंड्स आगे, तो मैं बता दूं, अभी मैं कैलकटा यूनिवर्सिटी के लिए एफिलिएटेड कॉलेजेस में मैं विजिट करने वाला हूं एक, जहां पर उस कॉलेज की चेकलिस्ट जो है वो आ चुकी है और वो कॉलेज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिए हैं। तो मैं उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बाकी सारे कॉलेजेस के मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लगभग सेम है। बस आप जो कॉलेज में स्टडी करते हैं उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कीजिए और देखिए वहाँ पर आपकी कॉलेज जो है वो अपलोड किए हैं या नहीं। तो चलिए आप देख लेते हैं चेकलिस्ट। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, वो कॉलेज यहाँ पे आ चुके थे कि श्यामा प्रसाद कॉलेज की तरफ से जो चेकलिस्ट है वो अपलोड कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए एलिजिबल कैंडिडेट की यहाँ पे लिंक दे दिए हैं, जो भी आप फील्ड से हैं, जैसे कि BA BSc ऑनर जनरल मेजर और पार्ट 3 स्टूडेंट के भी हैं। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट वाइज कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस की दे दिए हैं, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है उस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक कर लिया कॉमर्स के बैकग्राउंड पे, और यहाँ पे देखिए कॉमर्स के जितने भी सारे यहाँ पे सेमेस्टर्स हैं, 6 सेमेस्टर्स की, 4th सेमेस्टर की, 2nd सेमेस्टर की यहाँ पे आप देख सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे जो पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं उनके भी होंगे। यहाँ पे किस तरीके से दिए होंगे आपको यहाँ पे देख लेना है। देखिए यहाँ पे जो दिए हैं यहाँ पे किसी भी एक सेमेस्टर्स को आप देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे BCom ऑनर्स 6 सेमेस्टर, रेगुलर एलिजिबल मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों की ही यहाँ पे लिस्ट पे होंगे, ठीक है। तो आपको जिस किसी के भी लिस्ट देखना है आप इस यहाँ पे क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप जिस कॉलेज में स्टडी करते हैं आप अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कीजिए, वहाँ पे देखिए इस तरीक़े से ही आपके भी कॉलेज की जो हैं वो अपलोड किए होंगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। चाहे आप सुरेंद्रनाथ स्टूडेंट हैं तो आप अपने सुरेंद्रनाथ के वेबसाइट में देखिए, अगर आप आशुतोष के स्टूडेंट हैं तो आशुतोष कॉलेज के वेबसाइट पे देखिए, ठीक है, इसी तरीक़े से। तो चलिए मैं आपको एक में किसी क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए अगर आप क्लिक करेंगे तो किसी एक में इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अंडर CBCS सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मेल के होंगे और फिर फीमेल के भी होंगे, ठीक है, तो दोनों के ही होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आप अपना आपका रोल नंबर यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना है, नेम को चेक करना है, फर्दर नेम चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, आप जिस भी सेमेस्टर्स के हो, 4th के हो 2nd के हो, पार्ट वाइज के हो, आप अपने सब्जेक्ट्स को चेक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना आप नाम को चेक कीजिएगा, आपका जो भी नाम है यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर आपकी लिस्ट पे नाम है तो आप एलिजिबल हैं इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, अगर आपके लिस्ट पे नाम नहीं है तो आपको अपना कॉलेज के जो है आपको कॉलेज में अपना कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ कि मैं आपको अब समझा पाया कि चेकलिस्ट आपको किस तरीके से जो है वो चेक करना है, ठीक है। कोई भी अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। और जो फॉर्म इसके बाद यहाँ पे जो स्टेप है वो फॉर्म फिलअप की है, फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है अगर आपको नहीं आता है तो मैं ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो को, आप विजिट कीजिए, देख लीजिए किस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाता है, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।